हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2010 में रिलीज हुई रोबोट मूवी के मेकिंग बिहाइंड द सीन्स और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस मूवी की शूटिंग कैसे और कहां कहां की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी तो आप सभी को पता चलेगा आखिर इस मूवी की शूटिंग कैसे और कहाँ कहाँ की गई थी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्टार्टिंग में, जब रजनीकांत सर अपना पहला रोबोट बनाते हैं। वैसे एक्चुअल में ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक पपेट है जिसे कि कुछ पपेटेरियंस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और आप यहाँ रजनीकांत सर को रोबोट मेकिंग के समय उसके बॉडी पर कुछ टाइटेनियम का प्लेट लगाते हुए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोबोट बन जाने के बाद उसके चलने वाले सीन को शूट करने के लिए कुछ लोगों को उसे कमांड देते हुए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है जब वशीकरण के कहने पर उसके दोनों असिस्टेंट मिलकर उस रोबोट को बोलने की ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद वो उसे अपने ही जैसे दिखाने वाला मास्क पहना देते हैं। इसके बाद वो रोबोट देखने में बिल्कुल डॉक्टर वशीकरण जैसे लगने लगता है और वो इस बात से खुश होकर उसे गले लगा लेते हैं। दोस्तों अब इसके अगले बिहाइंड द सीन में इंटरनेशनल रोबोटिक कॉन्फ्रेंस का एक सेमिनार को दिखाया जाता है जिसमें रजनीकांत सर भी अपने चिट्टी रोबोट को लेकर आते हैं, जहां पर वो उसके स्पेशलिटी और इंटेलेक्चुअल पावर्स को बताते हैं। लेकिन वहीं पर वशीकरण को पढ़ाने वाले डॉक्टर बोरा भी होते हैं जो कि चिट्टी और वशीकरण को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नहीं होते हैं। जिसके बाद सेमिनार खत्म होने पर वो अपना लैब में जाते हैं, तभी पहली बार उनके द्वारा बनाई गई रोबोट्स हमें देखने को मिलती है जो कि उनके ही बताई गई कमांड्स को नहीं समझ पाते हैं, जिसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं। और इसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी में जब रोबोट चलती है तो उसे कुछ पेपेटेरियंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसे कि स्पेशल से उसी काम के लिए कुछ लोगों को हायर किया गया था। मूवी में आगे दिखाया जाता है जब सना चिट्टी रोबोट को लेकर अपने घर आती है, तभी वहां चिट्टी अपना हेड को बॉडी से अलग कर लेता है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं। और आप यहां देख सकते हैं इस हेड रिमूवल वाले सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है जब सना अपना एग्जाम देकर वापस आ रही होती है, तभी ट्रेन में मौजूद कुछ लोग उसके हॉल टिकट को लेकर पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद चिट्टी उस हॉल टिकट वाले फाइल को लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाता है और फिर रेल के पटरियों के सहारे चलता हुआ ट्रेन का पीछा करता है। और आप यहाँ इसके कुछ बिहाइंड द सीन को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दे कि इस सीन को रियल में रजनीकांत सर के द्वारा शूट किया गया था, जिसमें किसी भी VFX का यूज नहीं किया गया था। हालांकि जब रजनीकांत सर ट्रेन के ऊपर से दौड़ते हैं तब उस सीन को एक ग्रीन स्क्रीन की मदद से बनाया गया था, जिसे कि फिर बाद में CGI की हेल्प से ट्रेन के ऊपर रिप्लेस किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी में जब रजनीकांत सर और चिट्टी AIRD एवोल्यूशन से आ रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक जगह आग लगी हुई मिलती है, जिसके बाद डॉक्टर वशीकरण चिट्टी रोबोट को लोगों को बचाने के लिए भेजते हैं। और आप यहां देख सकते हैं जब चिट्टी आग के अंदर घुसती है तब उसके सभी कपड़े और उसके स्किन पूरी तरह से जल जाती है और यह उसी समय का VFX ब्रेकडाउन है। आपको बता दें कि मूवी के इस फायर वाले सीन को कंट्रोल करने के लिए स्क्रीड फायर एक्सटिंग्विशर लगाई गई थी, जिसमें चिट्टी को घर के अंदर घुसते ही फायर को तुरंत बुझा दिया जाता था। और ठीक इसी तरह से इसके आउटडोर वाले सीन में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया था, जिसमें फायरमैन बाहर लगी आग को तुरंत बुझा देते थे। यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब चिट्टी आग लगी हुई बिल्डिंग से एक नग्न लड़की को बचाता है। आपको बता दें कि इस सीन को बनाते समय उस लड़की को उसके स्किन कलर के मुताबिक कपड़े को पहनाया गया था, जिसके बाद इस सीन को VFX की टेक्नोलॉजी से एक ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट किया गया था। इसके अगले बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं डॉक्टर वशीकरण चिट्टी रोबोट को सॉफ्टवेयर हार्मोन रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन जब चिट्टी के अंदर यह हार्मोन रिप्लेस हो जाती है तब वो एक इंसान की तरह बिहेव करने लगता है और डॉक्टर वशीकरण के साथ ही बगावत कर देता है, जिसके बाद वो उस रोबोट को गुस्से में आकर तोड़ देते हैं। और इसके कुछ बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी रजनीकांत सर की रोबोट मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।